नमस्कार जी, मेरा नाम रोहित कुमार, ग्राम दा, तहसील बड़ोत, जिला बागपत का रहने वाला हूँ। मैं पिछले 20 सालों से गन्ना, गेहूँ, सरसों की खेती करते आया हूँ। सरसों की फसल एक अच्छी फसल है, उसके लिए हमें थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसको टाइम टाइम पर किस चीज़ की आवश्यकता है, बुआई में किस चीज़ की आवश्यकता है, कोर पे किस चीज़ की आवश्यकता है, दूसरे पानी पे किस चीज़ की आवश्यकता है, इन सब की अगर हल्की सी भी थोड़ी भी जानकारी किसान को होगी तो उससे बहुत अच्छे फायदे ले सकता है। पिछले साल मुझे PPL कंपनी के सलाहकार, कृषि सलाहकार, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने हमें बताया PPL कंपनी के प्रोडक्ट फिनो 16 के बारे में। इसमें हमने नए यूज करने को हमने उन्होंने हमें कहा, हमने ये यूज किया। इस बार जो फसल की बुआई पे हमने फिनो 16 का यूज करा, उसमें बहुत अच्छे हमारा जमा हुआ और जो हमारी सरसों जमी वो बहुत ही शुरू से ही काफ़ी निरोगी, मतलब स्वस्थ जमी, और उसमें कल्लों की स्थिति बहुत अच्छी रही। और साथ साथ कल्लों के साथ साथ जो कलियों की स्थिति है वो पिछले कई साल से इस बार लगभग दुगनी मात्रा में है। इस प्रोडक्ट से इतना अच्छा हमें लगा और ये की बार मुझे लगता है कि उत्पादन में भी लगभग ज़्यादा ना बोलते हुए 30% मुझे बढ़ोतरी की आशा है। हर साल सरसों की औसत उपजाऊ हमारे यहाँ बीघे में, बोलते हैं जी कल्ले में नहीं बोल पाते, किले में नहीं बोल पाते, हमारे यहाँ बीघे होते हैं और लगभग बीघे की हमारे यहाँ जो औसत है क्विंटल में 1.5 से 1.25 अच्छी उपज 2 हो जाती थी, लेकिन इस बार 2 से काफ़ी ज़्यादा इस प्रोडक्ट के कारण, मान लो इस प्रोडक्ट के ही सहायता से, फिनो 16 इसके ही सहायता से हमें ये लगता है कि इस बार हम 2.5 करोश कर जाएंगे जी, 2.5 क्विंटल। जो भी इस भाई सरसों का किसान है वो भाई फिनो 16 बुआई में और दूसरे खाद पे ज़रूर यूज करें, निश्चित ही अच्छे रिजल्ट पैदा होंगे। हमारा क्षेत्र एक गन्ने के खेती पे ज़्यादातर निर्भर है, जबकि हमारा पेमेंट मिल में रुक जाता है और हमारा किसान पीछे चले जाता है आर्थिक स्थिति से, जो उसके कारण आर्थिक स्थिति के कारण हमें टाइम पर पैसा नहीं मिलता। हम अपनी फसल को, अगली भी फसल को हम अच्छे और गुणवत्तापूर्वक पूर्ण वे नहीं डाल सकते प्रोडक्ट, उसी के लिए हम कहते हैं कि सरसों ज़्यादा लगाओ। और कुछ किसान सरसों की तरफ बढ़ भी रहे हैं। सरसों एक नकदी फसल है और कम पीरियड की, कम समय में तैयार हो जाती है, जबकि किसान के पास कम समय में पैसा हाथ में आ जाता है। उसके साथ साथ मैं ज़्यादातर किसानों को कहना चाहूँगा कि फसल गन्ने की तरफ ज़्यादा आकर्षित ना हो के फसल इस पे, सरसों पे ज़्यादा ध्यान दें। और उसके साथ साथ आप सरसों पर ज़्यादा ध्यान देने के साथ साथ आप अच्छे प्रोडक्ट पर ध्यान दें, जो आपकी फसल की गुणवत्ता बढ़ाएंगे और आपका इनकम भी बढ़ाएंगे। उसके साथ साथ आप देखो, ये जो फिनो 16 कंपनी, ना इसमें कोई जहर है, ना ही इसमें पूरे 16 पोषक तत्व जो हमारी ये मिट्टी को ज़रूरत है, वे सब पोषक तत्व ध्यान में रखते हुए PPL कंपनी ने इसे लॉन्च किया है और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मैं सभी नकदी फसल जो जल्दी कैश होकर किसान के हाथ में आ जाती है उसको हम नकदी फसल कहते हैं। नकदी फसल जो भी है उसके ज़्यादातर किसान, पूरे देश के किसानों को कहना चाहता हूँ, पूरे देश के किसान इस पर आवे फिनो 16 पे, और पूरे देश के किसान इसे फिनो 16 को डाल लें और आर्थिक लाभ उठा, और सभी किसान अपनी फसलों की गुणवत्ता को बेहतर करें। हमें अपने मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जबकि किसान को पूरी जानकारी के अभाव में, जानकारी ना होने के कारण कुछ ही पोषक तत्व दे पाते हैं, यूरिया, DAP,
कैल्शियम, सल्फर, बस ये चार चार चीज दे पाते हैं, जबकि जरूरत है 16 पोषक तत्वों की। वो हम कहाँ से लाए ना हमें पता। मिट्टी हमारी जब उपजाऊ होगी, जब पूरे 16 पोषक तत्व मिलेंगे, और 16 पोषक तत्व केवल एक जगह, या फिनो 16 में। मैं सभी किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी जगह 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 से सामान ना खरीद के आप एक जगह से PPL कंपनी से फिनो 16 खरीद लें और अपनी समस्या से छुटकारा पाएं। धन्यवाद।